आप कुछ वीडियो आपको बताता हूँ वो नंबर आप नोट कर लीजिए वीडियो 140 साइंस जर्नी चैनल पे वीडियो 140, 140 140 और 127 वीडियो नंबर 127 ओके okay, सर so 120 और वीडियो okay. 124 ओके okay, 124 आई हैव अनदर थिंग्स टू आस्क फ्रॉम यू द आसोकन इंस्क्रिप्शन कैन यू कॉल कैन वी कॉल इट पाकृत और पाली और डू यू हैव एनी सॉलिड एविडेंस दैट इट इज दिस पाली देखें ट्रॉय जो yes. सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है उसको पाली प्राकृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्राकृत लैंग्वेज होती है प्राकृत उसका नाम नहीं होता है पाकित होता है प्राकृत ये लोग जानबूझ के कहते हैं क्योंकि उसमें र आ जाए प्राकृत yes. कोई नाम नहीं है पाकित होता है उस समय प्राकृत शब्द ही नहीं होता था पाकित okay. तो उसका मतलब जो नेचुरली जो उस जगह से क्षेत्र से जो भाषाएं जन्म ली हैं उसको कहते हैं दे। जैसे स्पेन में स्पेनिश जन्म लिया होगा तो कोर्स उसका जन्म जो है अफ्रीका में नहीं हुआ होगा या अमेरिका में नहीं हुआ होगा फ्रेंच भी अगर फ्रांस में ही बोली जा रही है तो वो भी प्राकृत भाषा है पाकित भाषा है क्योंकि उसका जन्म उसी क्षेत्र में हुआ होगा नेचुरली हुआ होगा तो उसी तरह से या भारत के हर क्षेत्र में भाषाएं जन्म ली हैं लेकिन हुआ क्या कि जो बोलियां होती हैं और जो भाषाएं होती हैं उनमें अंतर होता है बोली तो बहुत सारी होती हैं और बोलियां लिखी नहीं जाती हैं लिखने के लिए लिपि विकसित करते हैं उसकी सारी चीजें ध्वनि हम विकसित करते हैं तब जाके लिख पाते हैं तो पाली इसमें रिच हो गई जितनी प्राकृत जो बोलियां थी उनमें पाली सबसे रिच थी जिसमें न लिखित रूप से लिखा जाता था अब हुआ क्या कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने जितने इंस्क्रिप्शन लिखवाए तो उन्होंने तो एक जगह लिखवाए नहीं घूम घूम के पूरे भारत में पाकिस्तान अफगानिस्तान तक उनके इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं तो हर जगह पे ही पाली प्राकृत बोली जाती हो ऐसा पॉसिबल नहीं था तो जैसे पाकिस्तान के मनसेहरा वाला जो इंस्क्रिप्शन है उसको खरोस्टी में लिखवाना पड़ा ग्रीक और अरमेक जो भाषाएं हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ा यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि जगह के अनुसार भाषाएं भी थोड़ी बदलती हैं, थोड़ी कुछ तो बदल जाती है तो उसी तरह से पाली प्राकृत सबसे रिच भाषा थी सम्राट अशोक में क्योंकि ये मगध क्षेत्र में थे और वो एरिया सबसे बड़ा था और इसी तरह से पाली प्राकृत का प्रभाव पूरे भारत में सबसे ज्यादा था जितनी भाषाएं थी उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव इसी पाली का था पाकित भाषाओं में सबसे ज्यादा प्रभाव पाली का था इसीलिए भारत की जो दो सम्यक जो सबसे परंपराएं थी बौद्धों की जैनों की उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स जो लिखे वो पाली में ही लिखे प्राकृत की अन्य भाषाओं की बजाय उन्होंने सिर्फ पाली में ही लिखे कारण यही था कि वो लिखित रूप में विकसित तो हो गई उसको बोलियां तो बहुत होती हैं आज भोजपुरी भी बोली जाती है लेकिन भोजपुरी में कोई लिखता थोड़े ही है लिखता तो भी फिर भी हिंदी में है Yes sir, yes sir. हाँ, तो पाकित sir, में बहुत सी बोलियां yes थी लेकिन पाली सबसे रिच थी जिसमें लिखा भी गया तो सम्राट अशोक okay. का जो इंस्क्रिप्शन है उसको पाली पाकित इसलिए कहा गया क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के जो भाषाएं थी उनका भी थोड़ा थोड़ा उसमें प्रभाव आ जाता था जगह चेंज होने पे इसीलिए so, पाली के साथ पाकित भी जोड़ दिया जाता है उसमें okay, sir,

मुझे uh, सारी अल्फाबेट uh, uh, चाहिए हाँ तो आप अलेक्जेंडर कर्निघम महोदय की बुक ले लीजिए आप चाहे तो जेम्स प्रिंसेप की भी ले सकते हैं इन लोगों ने पहले काम किया जेम्स प्रिंसेप ने पहले काम किया तो इन लोगों ने सारी चीजों को इकट्ठा किया जोड़ा उल्टा चल रहा था ना पहले गुप्ता को फाइंड किया गुप्ता के से अशोकन पे पहुंचे तो वहां से पता चला मिसमैच हो रहा था गुप्ता वाला तो ये लोग पढ़ लिए संस्कृत के नाम पे हालांकि वो संस्कृत में नहीं था बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत था लेकिन उसको संस्कृत संस्कृत कह के जोड़ तोड़ करके पढ़ लिए लेकिन सम्राट अशोक पे इनको बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि वहां पे ये अभी तक जो रिकॉर्ड था देखिए पढ़ने का तरीका क्या था कि ब्रह्मेणिकल सिस्टम बारहवीं तेरहवीं सदी से क्लासिकल संस्कृत यूज कर रहा था तो इसके कुछ शब्द इसके पूर्वज के जो शब्द थे वो तो उसमें मिल जाते थे जो गुप्ता पीरियड या हर्षवर्धन काल इन सब दौरान में थे क्योंकि इन्हीं से वो डेवलप हुआ था क्लासिकल संस्कृत तो पूर्वज तो उसमें मिल जाते थे लेकिन वही जब रेंज आगे बढ़ रही थी सम्राट अशोक तक तो वो बड़ा डिफरेंट हो जा रहा था क्योंकि गुप्ता काल में हर्षवर्धन काल में मिश्रित हुआ था इसीलिए पूर्वज मिल जाते थे उसमें पूर्वज मिल नहीं रहे थे क्योंकि वो प्योर पाली प्राकृत थी इसी से पता चला कि वो प्योर पाली प्राकृत थे वो संस्कृत नहीं थी कि पढ़ ही नहीं पाते थे आप मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि टोनी जी आप ट्रॉय आप जो हैं ये क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि सॉलिड आर्कियोलॉजिकल अरे इतने रिसर्च पेपर भरे पड़े हैं किसी का भी आप रिसर्च पेपर उठाकर देख लीजिए सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन का आप किसी कोई भी रिसर्च पेपर उठाकर देख लीजिए सब लाइन से उठा के कहेंगे पाली प्राकृत है उठा के पढ़ लीजिए एक शब्द उसमें संस्कृत का नहीं मिला है मतलब एक होता है ना कि संस्कृत का जैसे पाली पाकित कहा गया तो उसी तरह से कोई कह देता कि संस्कृत पाकित का या संस्कृत पाली का उनका अभिलेख है दुनिया के किसी रिसर्च ने भी ये नाम नहीं दिया कि वो संस्कृत पाली का है सबने क्या कहा पाली पाकित है। इसलिए कहा क्योंकि संस्कृत था ही नहीं उस समय तो आप उनके आज की दामाली दामाली भी दामाली भी है ना, ना? यस मोतीलाल आलमचंद्र की एक पुस्तक है साची दानम साची दानम एक पुस्तक है आपको एमेजोन पे मिल जाएगी या फिर आप देखें ऑनलाइन पोर्टल्स आप चेक करें वहां से आप कहीं से भी मंगा सकते हैं तो वो पुस्तक ले लीजिएगा उसमें उन्होंने पूरा बताया है कि सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है और सांची सुतूप इंस्क्रिप्शन है उसको कैसे पढ़ें उसमें आपको पूरे जो अल्फाबेट्स चाहिए सम्राट अशोक के समय में जो नौ खड़ी थी वो मिल जाएगी और सांची सुतूप के समय में ग्यारह खड़ी हो गई थी

And it's also saying that the inscription uh, was in Sanskrit. So how can this be possible, sir? We know that before Christ, there, there are no Sanskrit inscription, but uh, it, it, the Hatiwada goes on the inscription is saying that it is in Sanskrit. And korn it's hai, a- Sir, I, I found that in Wikipedia. <laughs> is, is <it> <laughs> <true>? <laughs> but I also searched this on the si site uh, they, don't, uh, they didn't mention anything but the Wikipedia site also mentioned that they had they found uh, uh, the, uh, the the statues of Krishna as to, uh, blah 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 but the SI site didn't mention anything they say they also that they just said that they have the The, uh, it's, uh, the inscriptions were in the एक चीज समझे ये कौन पे आप एक तो विकीपीडिया हैं वो आपको बता दिया कि है आप सही सोर्स से पढ़िए ना किसी हिस्टोरियन जिसने रिसर्च किया हो उसकी किताब पढ़िए ना मैंने आपको यो कहा कि आप जाके साइंस जर्नी पे वहाँ पे आप जाके देखिए मैंने विभिन्न इतिहासकारों का सबूत खोल के दिखाया है की जो बात आप लोग कह रहे हो वो गलत है उन्होंने खुद बोला है कि वो कोई संस्कृत का नहीं है आप उस चीज का आप हवाला देने की कोशिश कर रहे हैं जो इंस्क्रिप्शन है ही नहीं आप इनसे पूछ लीजिए कि भाई कहाँ पे है तुम लोगों का हाथी बड़ा घुसंडी जिसका अभिलेख ये लोग बता रहे हैं उसे पूछिए ना एक बार कि भाई कहाँ पे है उसका सबूत इनकी हवा खराब हो जाएगी बताने में चलिए मैं अब शेयर करके आपको दिखा देता हूँ देख लीजिए जब आपने क्वेश्चन उठा ही दिया है ये पुस्तक है भारत में जो डीसी सरकार है इंटरनेशनल ये राइटर है और डीसी सरकार की खास बात यह है कि जो विदेश के जो प्रोफेसर होते हैं जो लेखक हैं संस्कृत लेखक हैं जैसे सोलमन है उसने भी अपनी जब किताब लिखता है तो वो भी इन्हीं को डेडिकेट करता है इन्हीं से रेफरेंस लेता है इनको डेडिकेट करता है मतलब विदेश का जो बंदा किताब लिख रहा है वो भी इनको डेडिकेट कर रहा है आप समझ सकते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी है अब ये क्या लिखते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपने जिसका कहा ना जिस इंस्क्रिप्शन का नाम लिया आपने दिखाता हूँ क्या लिखते हैं ये क्या लिखता है कि बिलोंगिंग टू इंडियन रूलर्स हु फ्लोरिस्ट अबाउट द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बी सी देखे सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बी सी दैट इज शो समाइम बिफोर सका सोडसा

उसके बारे में यह क्या लिखते हैं कि उसका ओरिजिनल नहीं अवेलेबल है इपिग्राफ में भी जो लिखा गया है वो उसके डुप्लीकेट के आधार पर लिखा गया है और क्या बताया गया है ऑफ किंग गजायना गजना सरवाइल द अर्लिएस्ट सच रिकॉर्ड इन ईस्ट इंडिया इन द अयोध्या फैजाबाद यूपी इंस्क्रिप्शन इन धाना बोथ ऑफ होम हु सेड एज कहा गया है सेम एज, जो जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी है है उसके हाफ टाइम की उसको बताया गया है। और इसके बारे में एक सबसे खास बात इन्होंने क्या लिखा है वी हैव हाउ एवर सम इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत ध्यान से सुनिएगा ये उसी को घोसांडी हथिबाड़ा को कह तो रहे हैं कि संस्कृत लेकिन किसके आधार पर तो दो पॉइंट देते हैं पहला की डुप्लीकेट हमारे पास है ओरिजिनल नहीं है ओरिजिनल को नष्ट कर दिया गया है डुप्लीकेट जिसने भी रिकॉर्ड किया उसने उस समय बता दिया कि भाई संस्कृत संस्कृत का का है तो का है तो लेकिन जितना भी भी उसने बताया उसमें क्या लिखते हैं स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत ये ध्यान से दीजिएगा सुन रहे हैं ट्रॉय मिस्टर ट्रॉय क्या आप हमें सुन पा रहे हैं yes, तो ये क्लियर हुआ ना आपको क्या लिख रहा है स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत अब ये बताइए अगर वो इंस्क्रिप्शन जिस हाथीबाड़ा की आप बात कर रहे थे वो अगर संस्कृत में होता तो प्राकृत से क्यों इन्फ्लुएंस्ड होता संस्कृत तो इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है प्राकृत से उसका क्या लेना देना है भाई आप आज right. की डेट में संस्कृत कोई right. लिखेगा तो yes, yes. संस्कृत लिखे हाँ संस्कृत पर प्राकृत का कैसे प्रभाव जैसे हिंदी है हिंदी okay. पर आप कह सकते हो कि हिंदी के ऊपर पाली का प्रभाव है संस्कृत का प्रभाव है अरबी फारसी का yes प्रभाव है इंग्लिश का प्रभाव है क्योंकि वो सब इनसे पहले की तो वहाँ पे अगर वो कह तो रहा है Yes, पूरा क्लियर हो गया ना कि ये जो बात कही yes, जा yes, रही है हाँ ये डुप्लीकेट भी है ये देख लीजिए डुप्लीकेट भी साफ इन्होंने मेंशन कर दिया तो मेरे ख्याल से आपको उत्तर मिल गया होगा यस सर थैंक 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 यू यू